जनाब, अब हम जिक्र करेंगे कि हमारी ज़िंदगी में या हमारी सेहत के लिए नहाना, साबुन और डिओड्रेंट जो कि एक खुशबूदार चीज़ है जो कि हम अपने जिस्मों पे इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारे जिस्मों से जो नापसंदीदा बू है वो ख़त्म हो जाती है, और ना सिर्फ कि वो बू ख़त्म होती है बल्कि ये हमारे हमें कई बीमारियों से बचा भी सकती है। तो पहले जिक्र करते हैं नहाने का। नहाना हमारे लिए इसलिए अहम है कि हमारे जिस्म जब हम बाहर फिरते हैं, काम के जाते हैं और रोज़मर्रा ज़िंदगी के काम कर रहे होते हैं, तो हमारे जिस्म कई चीज़ों को अपने साथ चिपका लेता है, हमें पसीना आता है, हमें उस पर मिट्टी जमी हुई होती है, तो ये सब कुछ मिल मिला के एक ऐसी जगह बना देता है, हमारे जिस्म एक ऐसी जगह बन जाती है जो कि जरासीम के लिए इंतहाई मौजू है। तो हमारे जिस्म हमारे जरासीम जो हैं ये जिस्म में ज़्यादा पलते बढ़ते हैं। तो अगर हम जिस्म को साफ रखें, नहाते रहें और अच्छी साबुन से नहाएं, साबुन की अहमियत भी बहुत है क्योंकि साबुन ऐसी इस्तेमाल करें जो नहाने के लिए बनी हो। हमें किसी भी साबुन को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आजकल कई तरह की साबुनें मौजूद हैं मार्केट में जो कि हम ख़रीद सकते हैं, उसका इस्तेमाल भी इंतहाई अहम है और हमारे जिस्मों को जरासीम से साफ़ रखती है। उसके बाद अगर हम गुसल कर लें, अच्छी साबुन से गुसल कर लें, तो फिर बात आती है कि हम एक ऐसी डिओड्रेंट लगाएं जो कि जो भी बहुत दुकानों में दस्तियाब है, और ये स्प्रे की शक्ल में है, ये क्रीम की शक्ल में है, ये स्टिक की शक्ल में है, ताकि ये हमें कुछ जरासीम से महफूज भी रखें और हमारे साथ जो लोग उठते बैठते हैं उनको हमारे जिस्म से जो एक नामौसूम किस्म की बू आती है गंदगी की वजह से वो ना। तो आप दूसरों का भी ख्याल रखें और अपना भी ख्याल रखें, और ये तीनों अमल दिन में कम से कम दो बार दोहराएं तो हम इंशाल्लाह सेहतमंद रहेंगे। शुक्रिया।